This conference will now be recorded. ओके सो गाइस, ये सॉफ्टवेयर कौन सा है? स्टैटप्रो। ठीक है, अब स्टैटप्रो और आरसीडीसी हम सीखने वाले हैं, जो भी हम लोग कोर्स सीखने वाले हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीजों का हम ध्यान रखेंगे। चीजें ऐसी होंगी कि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और टॉप तक जाएंगे। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करेंगे और टॉप तक जाएंगे, और इसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी हम सारे चीजों को क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करके एक चीजों को छोटी से छोटी चीज को सीखेंगे। प्लस इंटरव्यू में क्या पूछते हैं वो भी हम इसी क्लास के दौरान एक एक ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में आता जाएगा, हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो हम इंटरव्यू के पॉइंट्स भी कवर करेंगे, प्लस स्टैटप्रो इंडस्ट्री में कैसे यूज करते हैं वो भी आपको करके दिखाएंगे, इंटरव्यू में कैसे आंसर करना है वो भी बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, और एक मिनट और है क्योंकि हमने टाइम दिया जो, सो आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जैसे कि अभी आ रहे ऑन टाइम, ऐसे ही ऑन टाइम आइएगा, और दूसरी चीज ये कि कंटिन्यू आइएगा। ठीक है, लोगों साथ क्या प्रॉब्लम होती है, मैं देखता हूँ कि लोग एक दिन आते हैं बीच में क्लास मिस कर देते हैं, फिर तीसरे दिन आते हैं तो फिर बोलते हैं सर वो मेरा तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। समझ में इसलिए नहीं आ रहा है, आपने सीढ़ी चढ़ी होगी स्टेयर, हम लोग सिविल इंजीनियर है, और अगर मैं एक स्टेयर चढ़ूं और उसके बाद दो स्टेयर बनाऊं ही ना तो तीसरे स्टेयर पर जाने में प्रॉब्लम कितनी होगी आप बहुत अच्छे से जानते हो, राइट। सेम स्टैटप्रो में है, सेम हर चीज लाइफ में होता है। सो इट्स रिक्वेस्ट, ट्राई टू कम ऑन टाइम, जैसे आ जाए हो बहुत अच्छी बात है, और डेली आने की कोशिश करना। ठीक है, डेली आने की कोशिश करो। इफ यू आर इन ट्रेवलिंग कुछ नहीं करना है, मोबाइल पर लॉग इन कर लो, ट्रेवल करते रहो, म्यूट कर दो, एटलीस्ट ईयरफोन लगा के सुनते रहोगे। ठीक है, आप तरह तरह के सॉन्ग सुनते हो, स्टैटप्रो सुनते रहना, तो आपका एक जैसे ना वर्कशिप, वर्क इज वर्कशिप, तो ऐसे वर्कशिप हो जाएगा आपका। चलिए, और एक जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया है, इसी ग्रुप में ही हम लोग, मैं आपको क्या बोलते हैं स्टडी मटेरियल भेजता रहूंगा, साथ ही साथ कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारा जो क्लास का लेक्चर होगा ये अपनी वेबसाइट पे मिलेगा, कहाँ पर? unixcivil.com पे आपको क्लास का लेक्चर मिलेगा। ठीक है, और अभी एक दो दिन तो मैं आपको ऐसे डायरेक्ट लेक्चर दे दूंगा, इसके बाद वेबसाइट पर आपका अकाउंट बनेगा, वहां पर आपको लेक्चर मिलेगा। प्लस हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप में न ही कोई वीडियो शेयर करिएगा, न ही गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का। ठीक है, हम लोग सिर्फ काम की बातें करें ज्यादा बेटर होगा। सो न ही हम कोई वीडियो शेयर करेंगे, न ही गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करेंगे, 26 जनवरी रहेगा तो डेफिनेटली करेंगे, बाकी कुछ नहीं। और सो देट की मैं जो इंपॉर्टेंट मैसेज भेजूँ आप तक पहुंच जाए। लंबा सा चैट हो गया, अब मैंने भेज दिया, पता नहीं कब स्टडी मटेरियल किसी को मिला ही नहीं, क्यों? क्योंकि चैट बहुत बड़ा हो गया था। तो इस चीज को समझना सब लोग कि हमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल, और भी टेक्निकल में स्टैटप्रो से रिलेटेड ही टॉक करना है पूरे ग्रुप में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्वेश्चन पूछना है स्टैटप्रो का, क्वेश्चन पूछो। ठीक है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, बट नॉट एनीथिंग एल्स, क्या चल रहा है समाचार वगैरह। ठीक है, समाचार नहीं डिस्कस करेंगे, और नहीं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में कोई टाइम वेस्ट करेंगे, इधर क्लास में आके सब कर लेंगे हम लोग। मैं बहुत टाइम को सेव करता हूँ, आप सबको पता है। चलिए गाइस, तो ये स्टैटप्रो है, स्टैटप्रो का V8i सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा? V8i सीरीज 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये बनाया गया है बेंटली कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? बेंटली कंपनी के द्वारा। ठीक है, एक्चुअली में इसको दो लड़कों ने बनाया था। ठीक है, अब सोचो लड़के कितने टैलेंटेड रहे होंगे। उन दो लड़कों ने कुछ $1,000 में इसको भेज दिया था बेंटली कंपनी को 2005 में, तब से बेंटली कंपनी इसको अपना लोगो लगा के चला रही है। ये सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चरल एनालिसिस और डिजाइन करने का काम करती है। क्या करती है? स्ट्रक्चर की एनालिसिस और डिजाइन करने का काम करती है। ठीक है, और इसके डाटा को हम आरसीडीसी पे लेके चले जाएंगे, तो वहां से डिटेल ड्रॉइंग भी मिलके हमें आ जाएगी। चलिए, ये जो सॉफ्टवेयर होता है इसका जो फाइल फॉर्मेट होता है वो होता है .std। क्या होता है? .std। भाई ये बताना जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है, अगर हम ऑटोकैड जानते हैं और ऑटोकैड का फाइल फॉर्मेट नहीं जानते, मतलब ऑटोकैड हम सच में नहीं जानते। ठीक है, फाइल फॉर्मेट से ही तो उस फाइल सेव करना ही नहीं आ रहा, तो मतलब हमको आगे कैसे आएगा? तो ऑटोकैड का फाइल फॉर्मेट होता है .dwg। ठीक है, स्टैटप्रो का .std। क्या? .std, याद रखेंगे। जैसे आप इस आइकॉन को खोलोगे, ठीक है, और इस आइकॉन में आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट करके ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यू प्रोजेक्ट करके ऑप्शन मिलेगा, जस्ट क्लिक हियर ऑन न्यू प्रोजेक्ट। ओके, और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा गाइस, आज की क्लास अगर आपके माइंड में सेट हो गई, बिलीव करो पूरा स्टैटप्रो आपके माइंड में घुस जाएगा, इस गारंटी लेता हूं। स्पेस
प्लेन फ्लोर ट्रस, ये चार ऑप्शन दिखते हैं और अपन को पता नहीं होता कि यार ये चारों ऑप्शन के यूज क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने थोड़ा बहुत स्टैट प्रो किसी ने सीखा होगा यूट्यूब यूट्यूब पे देख के, तो उसमें से ये क्लियर नहीं रहता है कि यहाँ पर ये चार ऑप्शन क्यों है। तो गैस ये जो स्पेस है, जब हमारा स्ट्रक्चर 3D में हो, जब हमारा स्ट्रक्चर 3D में हो उस टाइम पे हमें स्पेस यूज करना चाहिए, और जब हमारा स्ट्रक्चर 2D में हो, 2D मतलब एक्स वाई प्लेन, तो वहां पे हम लोग किसको यूज करेंगे, प्लेन को यूज करेंगे। और जब हमारा स्ट्रक्चर फ्लोर स्ट्रक्चर हो, ठीक है, फ्लोर स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे कि स्लैब का फ्लोर है, ठीक है, और स्टेयर केस का फ्लोर है, ऐसा स्ट्रक्चर हो, तो वहां पर हम लोग इसको यूज करेंगे फ्लोर को। लास्ट है ट्रस, ठीक है, तो ट्रस आपका जो रहेगा वो किसके लिए, क्वीन किंग ट्रस के लिए, क्वीन ट्रस के लिए, ऐसे ट्रस मेंबर्स रहेंगे उनके लिए हम लोग ट्रस यूज करते हैं। बट आप सबको पता है कि आपके पास अगर 4G या 5G मोबाइल होगी तो उसमें 3G भी चलता होगा, 2G भी चलता होगा, और 4G तो चलता ही चलता है, राइट। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपने स्पेस ले रखा है तो उसमें प्लेन भी वर्क कर जाएगा, उसमें फ्लोर भी वर्क कर जाएगा, ट्रस भी उसका वर्क कर जाएगा। तो इसको कह सकते हो क्या बोलते हैं, मल्टीटास्कर है, ये सबके लिए ओके कर देता है परफॉर्मेंस को। ओके, इसके बाद गाइस और इनके डिफिनेशन को पढ़ना चाहो, जैसे स्पेस पर क्लिक करोगे देखो लिखा है विच इज 3D फ्रेम स्ट्रक्चर, बताया ना मैंने 3D, इसको क्लिक करोगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब 2D, एफ एक्स एफ जेड फ्लोर एक्स डायरेक्शन में, और सॉरी मतलब फ्लोर लोड एक्स डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, और ये सब फ्लोर ट्रस आपका यहाँ पर ट्रस में बस रहेंगे। ठीक है, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, स्पेस पर क्लिक करेंगे और मीटर एंड किलो न्यूटन, क्यों, क्योंकि हम लोग MKS पे काम करते हैं ना, तो मीटर एंड किलो न्यूटन। जब आप कभी फॉरेन के प्रोजेक्ट यूज करोगे, ठीक है, जैसे US के प्रोजेक्ट करोगे, तो वहाँ पे फुट और किलो पाउंड में आपका रहेगा लोड, यहाँ पर आपको मिलेगा जो इंडिया के जितने प्रोजेक्ट रहेंगे उसमें मिलेगा मीटर एंड किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर होता है आपका फाइल का नेम, ठीक है, फाइल का नेम, तो आपके फाइल का नेम दे दिया, सपोज हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, आपका जो एक प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर बहुत ढेर सारी फाइलें निकलती है गाइस। कैसी फाइल, उसके अंदर फाइल निकलती है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन की एक फाइल निकलती है, एक फाइल मूवमेंट की निकलती है, एक फाइल शियर की निकलती है, ऐसे करके बड़ी ढेर सारी फाइलें निकलती है। ठीक है, तो अब अच्छा होगा कि उन फाइलों को एक फोल्डर में सेव करो, जिससे इन फ्यूचर आपको ओपन करना हो तो उस फाइल को आप ओपन कर सको। तो देखो मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना रखा है, बट आई वॉन्ट न्यू, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दो। ठीक है, अभी देखो फोल्डर बने हुए ऑलरेडी, और इसमें से किसी भी फोल्डर को आप चूज कर सकते हो, यहाँ से, यहाँ से आपको जो फोल्डर पसंद आए। सपोज आपको डेस्कटॉप पे ही क्या बोलते हैं एक फोल्डर कोई पसंद आ जाता है, या पहले से आप बना के रखिए, आपको न्यू फोल्डर 5 पसंद आ गया है। कौन सा पसंद आ गया, न्यू फोल्डर 5। अब आप चाहते हैं सारी फाइलें मैं यहाँ सेव करूँ, या फिर न्यू फोल्डर 4 आपको पसंद आ गया, 4 पे कर देंगे। और ओके, कहाँ पर है ये, डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर 4 करके है, यहाँ सारी फाइलें हमारी जाके सेव होंगी, या फिर आप अपनी एक सेपरेट फाइल भी बना सकते हो। इसके बाद मीटर किलोमीटर, फिर यहाँ पर गाइस होता है नेक्स्ट, क्या करना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट ऑप्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पर 6 ऑप्शंस मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 6 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपका पहला रहेगा एड बीम, एड प्लेट, एड सॉलिड, ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड, ओपन स्टैट एडिटर, एडिट जॉब इंफॉर्मेशन। क्या होता है ये, एड बीम का मतलब होता है एक एक बीम को ऐड करके पूरा स्ट्रक्चर को बनाना। अभी हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट, यस, तो जब फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस फ्रेम स्ट्रक्चर को किससे बनाते हैं, एक बीम को ऐड किया, फिर दूसरे बीम को, फिर तीसरे बीम को, यहाँ पर कॉलम को भी बीम ही बोला जाता है कनेक्टिंग के लिए। तो ऐड बीम मतलब उसी से कॉलम बना लेना, उसी से बीम बना लेना, इसलिए इसको बोलते हैं ऐड बीम। ऐड प्लेट मतलब एक स्लैब की प्लेट है, वाटर टैंक की प्लेट है, ऐसा कोई प्लेट हो उस जगह पे हम यूज करते हैं ऐड प्लेट को। कोई सॉलिड बॉक्स है, सॉलिड कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, सॉलिड बॉक्स है, सॉलिड रॉड है, उस केस में आप एड सॉलिड ले लीजिए और उसको आप यहाँ से उसको वर्क कर सकते हैं। ऑटो कैड जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि लाइब्रेरी क्या होती है, ऑटो कैड में लाइब्रेरी थी, ब्लॉक्स जिसको बोलते थे आप लोग ब्लॉक, वैसे ही ब्लॉक यहाँ पर भी है, वो है ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड के अंदर। कुछ स्ट्रक्चर्स पहले से बन के रखे हैं, उनको आप री एडिट करके और उस पर आप अपना काम चला सकते हो। स्टैट एडिटर, एडिटर क्या करता है,
अब इंसान हूं, गलती तो होगी, आप भी इंसान हो, आपसे भी गलती होगी। लोड लगा दिया, लोड को रिमूव करना है, तो वो सब कुछ आप स्टैंड एडिटर पे जाके अपनी गलतियों को की जो सजा है उसको भुगत सकते हो और उसको ठीक कर सकते हो। यहाँ पर एडिट जॉब इन्फॉर्मेशन मतलब होता है गाइस कि अब आपने काम किया तो काम सबमिट भी तो करना पड़ेगा, तो सबमिट करने के लिए जो फाइल बनाओगे वो एडिट जॉब इन्फॉर्मेशन में टोटल नंबर ऑफ बीम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, टोटल लोड्स, एवरीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम हियर ओपन एडिट जॉब इन्फॉर्मेशन। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एड बीम मतलब गाइस बीम को ऐड कर करके, मतलब एक एक फ्रेम को ऐड करके पूरे स्ट्रक्चर को बनाना है तो ये यूज करेंगे। प्लेट है, स्लैब का प्लेट है, वाटर टैंक का प्लेट है, स्टेयरकेस का प्लेट है, ऐसे प्लेट्स है तो आप ऐड प्लेट लेंगे। अगर कोई सॉलिड बॉक्स है, सॉलिड रॉड है, तो उसके लिए हम लोग ऐड सॉलिड लेंगे। ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड मतलब एक लाइब्रेरी है इसके अंदर। इफ समवन आस्क कि व्हाट इज द यूज ऑफ ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड, सो यू कैन से कि ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड इज जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी, जस्ट लाइक अ ब्लॉक, देयर इज मेनी टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स, यू कैन यूज दैट ब्लॉक, यू कैन एडिट दैट ब्लॉक फॉर योर स्ट्रक्चर्स। स्टैट एडिटर मतलब होता है एडिट करना अपने डाटा को, और एडिट जॉब इन्फॉर्मेशन मतलब यहाँ से रिपोर्ट निकालना। फिर से बोलूंगा, इन सब का काम इसके अंदर भी हो जाता है, ठीक है? आप चाहो तो सेपरेट कर सकते हो या तो इसको भी ले सकते हो। चलिए अभी के लिए हमने एड बीम लिया और फिर उसके बाद कर दिया फिनिश। और जैसे ही फिनिश करेंगे आपके सामने कंप्लीट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा स्टैट प्रो का। गैस आपको इसमें से जो भी स्टेप्स आपको नहीं समझ आएंगे, बगल में मैसेज बॉक्स है, ठीक है? आप देखोगे वहां पर मैसेज बॉक्स है, उस मैसेज बॉक्स से आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है? क्लास के बीच में अगर कम बोलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्लास जैसे ही खत्म होगी आपको हाफ एन आवर मैं खुद देता हूँ क्वेश्चन पूछने के लिए। यू कैन आस्क क्वेश्चन, बट क्वेश्चन का ऑपरेशन करके तब, मतलब पहले एक बार उस पर सोच समझ के कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तब करेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए अब ये जो ग्रिड है आप देखो, यहाँ पर ग्रिड मिल रही है, ठीक है? यहाँ पर इनके बीच में स्पेसिंग कितनी है, 1 1 मीटर की स्पेसिंग से। कितनी? 1 1 मीटर की स्पेसिंग से। टोटल 10 मीटर्स की ग्रिड यहाँ पे है, 10 मीटर्स इसकी हाइट पर है, ठीक है? और यहाँ पर कुछ टूल्स रखे हुए हैं जिनके थ्रू मटेरियल वगैरह लगाएंगे। ये आपका रिबन पैलेट के अंदर कई ढेर सारे टूल हैं, यहाँ पर भी टूल हैं, एक एक करके देखेंगे। तो अब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है अब से। तो स्टेप नंबर 1, ड्रॉ बीम। अभी एडिट भी करना सिखाऊंगा ग्रिड, बट अभी एक एक करके। तो ड्रॉ बीम, तो सपोज हमने एक बीम लिया यहां से लेके यहां तक, 4 मीटर का बीम लिया, ड्रॉ कर दिया बीम को। अब इस कर्सर को देख लो, कर्सर एक चल रहा है ना आगे चलने के लिए, आपको रोकना है। तो रोकने के लिए आप यहाँ जाओ, स्नैप नोट बीम, ये बंद हो गया कर्सर। फिर से कर्सर चलाने का मन करे स्नैप नोट बीम फिर से चला सकते हो, बट अभी बंद कर दिया तो ऐसे चलेगा। फिर ग्रिड को बंद करना है तो स्नैप नॉट बीम ऐसे कर दो, और इसके बाद जनरल, जनरल पे जाने के बाद यहाँ पर मटेरियल डिफाइन कर दो। क्या कर दो? मटेरियल डिफाइन कर दो। सो जस्ट गो टू डिफाइन रेक्टेंगल, ठीक है? अब देखो मटेरियल डिफाइन मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ ना कुछ इसकी थिकनेस होगी ना। एक्चुअल में अभी ये कुछ नहीं है, अभी केवल एक लाइन है, बट लाइन क्या होगी, बीम बनाने जा रहे हो आप तो बीम का कुछ ना कुछ तो साइज होगा ना। तो स्टेप नंबर 2, जनरल पे जाना है, इसके एक इसका एक लड़का है, इसका नाम है प्रॉपर्टी, वो अपने आप आ जाएगा और प्रॉपर्टी के ये पूरी फैमिली आ जाएगी। यहाँ पर आपको जाना है डिफाइन पे। कहाँ जाना है? डिफाइन पे जाना है, और डिफाइन पे जाने के बाद आपको अपने जो बीम है इसकी साइज बतानी है। तो बीम आपकी सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, टी हो सकती है, ट्रेपोजाइडल हो सकती है। तो जनरली आप क्या यूज करोगे, डेफिनेटली आप बोलोगे रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल लिया हमने। और वाई डी, वाई डी मतलब ये, ठीक है? वाई डी मतलब ये, और जेड डी मतलब ये, ठीक है? तो हमने यहाँ पर वाई डी ले लिया 0.23, और जेड डी हमने ले लिया, सॉरी वाई डी हमने ले लिया 0.30, और जेड डी हमने ले लिया 0.23, ठीक है? तो ये आपका विड्थ हो गया, और ये क्या हो गया, आपका डेप्थ हो गया एड, और फिर हमने कर दिया क्लोज। मटेरियल खरीद लिया, अब लगाएगा कौन? हम ही लोग लगाएंगे। तो मटेरियल को लगाने के लिए ऐसे सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट करने के लिए अभी एक कर्सर ऑन है, इसकी वजह से बड़ी इजिली सेलेक्ट हो गया। उस कर्सर का नाम है बीम कर्सर। कभी कभी ये कर्सर बंद हो जाएगा, ठीक है? क्या ऑन हो जाएगा? नोट कर्सर।
करते रहो अभी आप सिलेक्शन, केवल नोट सेलेक्ट होगा इस कॉर्नर का और इस कॉर्नर का, आप बीम को कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका ऑन ही है बीम, क्या बोलते हैं, कर्सर, मतलब नोट कर्सर। जैसे ही आप बीम कर्सर पे क्लिक करोगे और उसके बाद सेलेक्ट करोगे इसको, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन, यस, मटेरियल लग जाएगा। आप बोलोगे सर इतने कॉन्फिडेंस से आप कैसे बोल सकते हैं कि मटेरियल लग चुका है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है R1, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, मतलब असाइन कर दो, लगा दो इस बीम के ऊपर। और फिर हमने असाइन भी कर दिया है, मतलब लगा भी दिया है। देखना है तो यहाँ पर एक होता है 3D रेंडर व्यू, मतलब 3D में देखना है कि लगा है कि नहीं। ये देखो स्क्रॉल कर सकते हो और यहाँ पे देखो आपके पास ये कितना है 0.23 और ये कितना है 0.30, मतलब 300 mm, 230 mm, क्लियर एंड आउट। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? नेक्स्ट स्टेप है आपका सपोर्ट। क्या है सपोर्ट? तो सपोर्ट करने के लिए जस्ट गो टू सपोर्ट, ओके, और यहाँ पे जाना है क्रिएट पे। कहाँ जाना है? क्रिएट। और क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फिक्स। अब सपोर्ट आपका अलग अलग हो सकता है, अभी मैंने एक तरफ ले लिया फिक्स और कर दिया ऐड, फिक्स सपोर्ट ले लिया। एक और ले लो, क्रिएट पिन ऐड, ये कर रहा, फाइल को सेव करना है, मैंने कहा कर दो। अब ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट एक साइड, मतलब इधर, उसको से सेलेक्ट कर लो, ये देखो नोट सेलेक्ट हो गया, और उसके बाद असाइन तो सिलेक्टेड नोट्स, असाइन, यस, लग गया। फिर ये लिया और इधर क्यों गए? हमेशा नोट कर्सर ऑटोमेटिक देखो ऑन हो चुका है, क्यों? क्योंकि जो सपोर्ट लगता है हमेशा नोट पे लगता है, कॉर्नर पे लगता है। तो ये लिया और ये लिखा साइन, यस, ये लग गया। इस पर क्लिक किया, ये लग चुका है, इस पर क्लिक किया, ये लग चुका है। तो स्टेप नंबर वन क्या था? प्रॉपर्टी अपने डिफाइन कर दी। स्टेप नंबर टू सपोर्ट ले लिया। स्टेप नंबर थ्री लोड। कहते हैं ना इंसान पहले बन जाओ, उसके बाद थोड़ा सा पैसे बना लो सपोर्ट के लिए, फिर उसके बाद अब बर्डन ले लो, बिजनेस करो, लोड एंड डेफिनेशन। तो लोड एंड डेफिनेशन पे आने के बाद गाइस यहाँ पर एक लोड एंड डेफिनेशन का टैग खुल के आ जाएगा, जिस टैब में लोड किस डिटेल ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करना है माउस से, और फिर यहाँ पर ऐड नाम का ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा? ऐड नाम का ऑप्शन रहेगा। जैसे ही ऐड को क्लिक करोगे तो अब जितने टाइप की दुनिया में लोड होते हैं सबका टेबल आ जाएगा, डेड लोड, लाइव लोड, रूफ लोड, विंड लोड, स्नो लोड, फ्लूड लोड, सॉइल लोड, वगैरह 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 वगैरह, अपने को ज्यादातर क्या डेड, लाइव और विंड और सेस्मिक, इसी से ज्यादा खेलना पड़ेगा। अभी मैं केवल डेड लोड से खेलूंगा, तो डेड पे क्लिक किया। कॉलेज में डेड लोड को क्या बोलते थे आप लोग? तब बोलोगे सर डेड लोड बोलते थे हम लोग, डीएल, राइट, करेक्ट। हमने डीएल ले लिया टाइटल और ये दे दिया डेड लोड, और फिर कर दिया एड और फिर कर दिया क्लोज। अब बोलोगे सर लोड लग गया क्या? नहीं, अभी सिर्फ डेड लोड हुआ है, और इस डेड लोड को सेलेक्ट करके ऐड कर दो, और फिर यहां पर आपको डालना है अपना सेल्फ वेट। क्या डालना है? सेल्फ वेट। और सेल्फ वेट के लिए यहां पर आप सेल्फ वेट कितना डालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आरसीसी स्ट्रक्चर में हम लोग 1.5 किलोन्यूटन का डेड लोड डालते हैं। कितने का? 1.5 किलोन्यूटन का डेड लोड लेते हैं और फिर करते हैं ऐड। इसमें हमने ये सेल्फ वेट लिया है और ये लिया 1.5। आप लोग सर ये 1.5 का मतलब क्या है? फैक्टर 1 होता तो समझ में आता, 1.5 का क्या मतलब है? तो 1.5 का मतलब है कि जहां पर 10 रुपए की जरूरत थी वहां पर हम सेल्फ वेट 15 लेके चलते हैं, 10 रुपए की जगह पे 15 लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि लिमिट स्टेट ऐसे ही डिजाइन करता है, फुल सेफ्टी के साथ डिजाइन करता है, इसके लिए वो 10 रुपए की जगह पे 15 रुपए इन्वेस्ट करता है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, अभी देखो रेड है मतलब लगा नहीं है, असाइन, यस, लग चुका है। कैसे पता? ग्रीन सिग्नल। तो स्टेप नंबर थ्री भी आप क्रॉस कर चुके हैं। स्टेप नंबर फोर एनालिसिस। एनालिसिस पे जैसे ही जाओगे एक टैब खुल के आएगा, इस टैब में लिखा रहेगा एनालिसिस प्रिंट कमांड। आप बोल ऑल मतलब सबको, तब मतलब
लोड डाटा भी दे दो हमें, स्टैटिक चेक भी दे दो, मोड सेव भी दे दो, बहुत सब कुछ दे दो, और इसको करके हमने कर दिया ऐड और फिर कर दिया क्लोज, लग चुका यस। फिर आपको एनालाइज पे जाना है, रन एनालिसिस पे जाना है और सेव पे जाना है। जैसे ही जाओगे अगर आपका कुछ भी गलत रहेगा तो एरर आ जाएगा, कुछ भी गलत करने जा रहे होगे तो वार्निंग आ जाएगी, कुछ भी स्टैंड आपको बताना चाहेगा तो यहाँ पर नोट में दे देगा, गलत रहेगा तो एरर दे देगा, गलत करने जा रहे होगे तो वार्निंग दे देगा, और गलत कुछ सजेशन देना चाहता है अगर आपको स्टैट प्रो तो यहाँ नोट दे देगा। आपको इसको क्लिक करना है और फिर यहाँ पर व्यू आउटपुट फाइल पर क्लिक करना है। इस पर व्यू आउटपुट फाइल पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से डन कर देना है। ओके ये आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेट प्रो V8i सीरीज 5 जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट वर्जन ये है। आज का डेट क्या है, 20 जैन है, बेंटली कंपनी ने बनाया है। आज का टाइम क्या हो रहा है, 18:18:55 हो रहा है। फुल इंफॉर्मेशन आपको स्टैट में दे दिया। फिर स्टैट ये भी बताता है कि टोटल इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन कितने थे, तभी तो स्टार्ट किया है तो ज्वाइन कितने हैं, ओनली 2। मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स हैं 1। सपोर्ट कितने हैं, 2। कितने सपोर्ट है अभी इसमें, 2 सपोर्ट है, 1 मेंबर है, 2 ज्वाइंट है। इसका वेट कितना है, जो भी बीम लिया है उसका वेट कितना है, तो यहाँ पे देखो लिखा है एक्चुअल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इज 6.503 किलोन्यूटन। कितना, 6.503 किलोन्यूटन। तो आपको वेट भी मिल गया और सेल वेट कितना लिखा हुआ है, 1.5। सेल वेट कितना लिया हुआ है, 1.5। एक्चुअल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर 6.503 किलोन्यूटन, ठीक है जी। और फिर उसके बाद ये आपका डिटेल रिपोर्ट आ जाएगा। ये है एक जनरल प्रोसेस पूरे स्टैट प्रो को चलाने का। एक बार मैं फिर से स्टैट को रिपीट, इसी स्टेप्स को रिपीट करूंगा सो दैट कि आपके माइंड में सेट हो जाए, फिर आपसे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिएगा, पूरा बंद कर दे रहा हूं मैं, एक बार फिर से देखिए। स्टैट प्रो को यहां पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर बड़े ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। पहला काम आपको करना है न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक, क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक। जैसे न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चार ऑप्शन मिलेंगे, पहला है स्पेस, दूसरा है प्लेन, तीसरा है फ्लोर, चौथा है ट्रस। याद करके रखिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा हो सका तो। अब स्पेस कहाँ पर यूज होगा, स्पेस यूज होगा 3D स्ट्रक्चर के लिए, और प्लेन कहाँ पर यूज होगा, प्लेन होगा 2D स्ट्रक्चर्स के लिए, फ्लोर फ्लोर होगा स्लैब्स के लिए, स्टेयरकेस के लिए, ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए, ट्रस, किंग ट्रस, क्वीन ट्रस, ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए। नो, सपोज आई थॉट कि आई कैन जस्ट स्टार्ट विथ स्पेस, क्यों, स्पेस के अंदर सारा काम हो जाएगा, उसमें आप 2D भी बना सकते हो, फ्लोर भी बना सकते हो, ट्रस भी बना सकते हो, आई चूज स्पेस हियर। नेक्स्ट एमकेएस में काम करना है तो मीटर एंड किलोन्यूटन, आप देखते हो ना आरसीसी की डेंसिटी, आपसे बोला जाता है ना कि आरसीसी की डेंसिटी बताओ, कमेंट करो आप आरसीसी की डेंसिटी किसको पता है, कमेंट में वहां पर लिखा रहेगा कमेंट टू ऑर्गेनाइजर, मतलब डायरेक्ट मुझे कमेंट आएगा, आपका कमेंट दूसरे लोग नहीं पढ़ पाएंगे। आई वॉन्ट कि आप आरसीसी की डेंसिटी बताओ, कमेंट करो, देखते हैं आरसीसी का कितना किसको नॉलेज है, आरसीसी की डेंसिटी बता दो बस, ठीक है। चलो ओके, ठीक है, सबने लगभग बताया है, राणा ने सही बताया है, मनीष ने सही बताया है, सौम्यदीप ने गलत बताया है, और तनवर ने भी गलत बताया है, और भी लोग कमेंट कर दो, श्रीकांत ने भी गलत बताया है, मीटर किलोन्यूटन और यहाँ से नेक्स्ट, और मेघराज ने भी गलत बता दिया है। ओके ठीक है, केवल दो तीन लोगों ने सही बताया है, एक मनीष ने सही बताया है, एक राणा ने सही बताया है। देखिए आपकी गलती क्या है, कई लोग की छोटी सी गलती है बट बहुत बड़ी गलती है, क्या, जैसे कि तनवर ने बोला है 25। 25 क्या तनवर, मतलब 25 का यूनिट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना भाई यूनिट, ठीक है।
और क्या बोलते हैं वो आपने यहाँ पे नहीं बताया हुआ है। और जैसे कि इन्होंने सौम्यदीप ने बताया दिया है 24, तो भाई पीसीसी का क्या होगा? 24 आपका आरसीसी का हो गया, तो पीसीसी का क्या होगा? तो आप पीसीसी के याद रखो, मेघराज आपका भी सेम 2400 क्या आरसीसी है, तो फिर पीसीसी का क्या होगा? चलो एड बीम लिया हमने, और एड बीम लेके उसके बाद हमने एड बीम किया, फिर एड प्लेट। बीम से क्या हुआ, बीम से आप फ्रेम स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, चलो ठीक है, और प्लेट से आप प्लेट स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। ऐसे में बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहूंगा, आपको आंसर करना रहेगा, और मैं खुद भी आपको बताता रहूंगा ऐसे बीच बीच में। एड प्लेट में आपको प्लेट ऐड कर सकते हो, एड सॉलिड मतलब सॉलिड बॉक्स, सॉलिड रॉड, वो सब कुछ यहाँ से डिजाइन कर सकते हो। ओपन स्ट्रक्चर बिजार से क्या कर सकते हो आप, यहाँ से आप क्या बोलते हैं पूरी लाइब्रेरी है इसके अंदर, ब्लॉक्स हैं उनको यूज कर सकते हो। स्टैट एडिटर से आप अपने डाटा को एडिट कर सकते हो। ये स्टेप पूरा याद करिएगा। अंबुज जी कहाँ जा रहे हो, 2440 kg/m³ ये किसका है, पूरा गलत है ये। एडिट जॉब इंफॉर्मेशन, एडिट जॉब इंफॉर्मेशन से क्या करेंगे, इसका राइट आंसर है 24 किलोमीटर/m, सॉरी 25 किलोमीटर/m³। एडिट जॉब इंफॉर्मेशन और क्या बोलते हैं, एडिट जॉब इंफॉर्मेशन लेने से क्या होता है, हमारे यहाँ से डाटा देते हैं। एड बीम लिया हमने, और एड बीम लेने के बाद यहाँ से हमने कर दिया फिनिश। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पूरा डाटा मिल जाएगा, मतलब पूरा का पूरा एक टैब खुल के आ जाएगा। नहीं 20 क्या बोलते हैं अंबुज जी, पीसीसी का जो होता है वो होता है 24 किलोमीटर/m³। ये ग्रिड आ गया आपका, इस तरीके से आपका क्या आ गया, ग्रिड आ गया, और ये आपका टैब है और ये टैब है। स्टेप नंबर वन क्या था, मैंने बताया था आपको एड बीम। तो अब क्या, हमने सपोज बीम लिया 3 मीटर्स का, कितने मीटर का बीम लिया, 3 मीटर का लिया, और फिर उसके बाद यहाँ से जाके स्नैप नोड को बंद कर दिया, और फिर हमने कहा ग्रिड को भी बंद कर देते हैं। तो ग्रिड को बंद करने के लिए यहाँ पर गए और यहाँ से ग्रिड को बंद कर दिया, और ये जाके पूरा का पूरा ये बीम आपके पास आ गया करेक्ट। जनरल पे गए, पहला स्टेप जनरल पे गए, कॉलम का साइज सॉरी बीम का साइज बताने के लिए प्रॉपर्टी अपने आप खुल जाएगा। यहाँ पर जाके डिफाइन पर क्लिक करना है, जितने लोग पहली बार स्टैट चला रहे हैं सब लोग याद कर जा लो, डिफाइन पर जाना है। डिफाइन पर जाने के बाद रेक्टेंगल पे जाना है, और रेक्टेंगल पे जाने के बाद वाईडी, वाईडी मतलब डेप्थ ऑफ बीम, ठीक है, एकदम छोटी छोटी चीजों को याद रखो। फिर से हमने सेम रखा 0.30, और जेड डी मतलब विड्थ ऑफ द बीम हमने रख दिया 0.23, मतलब 230 mm 300 mm मीटर में, 0.23 0.30। और ये क्या है, कंक्रीट स्ट्रक्चर है, क्या है ये, कंक्रीट स्ट्रक्चर है। और इसके बाद ऐड और फिर कर दो क्लोज, इसको यहाँ पे लगाने के लिए सेलेक्ट करो इसको, और सेलेक्ट करने के बाद असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स असाइन, यस लग गया। यू वांट टू सी दिस, ये देखो इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप है सपोर्ट। सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, क्रिएट ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से एक साइड आपको फिक्स देना है तो हमने फिक्स दे दिया, दूसरे साइड सपोज आपको पिन देना है तो पिन दे दिया ऐसे। सपोज इस बार फिक्स को मैं इधर लगाना चाहता हूँ, तो देखो नोट कर्सर अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि सपोर्ट आते उसको पता चल गया कि नोट पे लगाने वाले हो। सेलेक्ट असाइन यस ये लिया, और ये दे दिया हमने इधर की तरफ, और सपोर्ट लग गया करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप लोड एंड डिफिनेशन, क्या लोड एंड डिफिनेशन, और यहाँ पर जाने के बाद लोड केस डिटेल्स, और फिर यहाँ पर कर देना है ऐड लोड केस डिटेल्स ऐड, और यहाँ पर लोडिंग टाइप में आपको दे दिया हमने पहला लोड दे दिया जिसका नाम है डेड, और डेड लोड को यहाँ से डी एल ऐड किया, और ऐड करने के बाद कर दिया से ऐड और फिर कर दिया क्लोज। फिर डेड लोड पे क्लिक किया और इसको ऐड कर दिया। अब इसके अंदर लोड्स भी है तो आएंगे ना, तो इसके अंदर कितने लोड्स आ सकते हैं, तो इसके अंदर भी बहुत भंडार है लोड का। ये देखो सेल वेट है, नोडल लोड है, मेंबर लोड है, एरिया लोड है, ऐसे सारे लोड को हम लोग ये करके देखेंगे।
अभी हमने सेलिब्रेट लिया जो कि रखा -1.5। 1.5 क्यों? क्योंकि फैक्टर जो होता है ये कितना होता है, 1.5 होता है, उसको करके हमने कर दिया ऐड और फिर कर दिया हमने इसमें क्लोज। आप चाहते हो कि थोड़ा और लोड सीखें, तो और लोड में क्या सीखना चाहते हो आप? तो आप ऑल लोड में सपोज सीखना चाहते हो कि क्या बोलते हैं, ऑल लोड कैसे, मेंबर का लोड कैसे लगाएंगे, तो मेंबर का लोड करने के लिए क्या बोलते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे मेंबर लोड, और मेंबर लोड पे आने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे मेंबर का लोड। सपोज -2 kN का हमने मेंबर लोड लगा दिया, और ये लेने के बाद हमने कर दिया एड क्लोज, सिल्वेट लिया, असाइन टू व्यू, ऐसे भी कर सकते हो कि असाइन टू बीम कर दो या फिर बीम को सेलेक्ट कर लो, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स असाइन, यस। फिर ये लिया, अभी देखो रेड यहाँ से ग्रीन हो गया हमारा लग गया, असाइन और असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स असाइन, यस। बीम का लोड लग गया, यस लग गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगा आपका, एनालिसिस एंड प्रिंट, क्या जाएगा, एनालिसिस एंड प्रिंट। तो उसके लिए एनालिसिस पर क्लिक करिए, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऑल और फिर एड और फिर यहाँ पे क्लोज, यहाँ पर लिख के आता है परफॉर्म एनालिसिस प्रिंट ऑल, मतलब एनालिसिस उसने दे दिया। ये एनालिसिस का मतलब समझ रहे हो क्या? एनालिसिस का मतलब होता है कि आपने डाटा जो भी लगाया था लोड वगैरह सबको एनालिसिस कर दिया कि चलो भाई डन हो गया, अब आप इंटर करने वाले हो इसके रिजल्ट पे। तो देखो अभी सेव करने का ऑप्शन पूछ रहा है, ऐसे बीच बीच में सेव करने के लिए पूछेगा, आप उसको सेव कर सकते हो और एनालाइज रन एनालिसिस, और फिर आपके पास डाटा आ जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर आपने देखा जीरो एरर, जीरो वार्निंग्स, जीरो नोट, मतलब इस एंड एवरीथिंग इज ऑल राइट, फिर यहाँ पर व्यू आउटपुट फाइल, और फिर यहाँ पर डन, ठीक है, इस तरीके से कुछ रिजल्ट आ जाएगा। फिर क्या, बस आप यहाँ पर देखो अब आपका लोड बढ़ चुका होगा जहां तक है, क्यों, ये देखिए ये सब तो वही है, अभी देखो टाइम बदल गया, जैन मंथ है, और उसके बाद यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपके पास ज्वाइंट है, ज्वाइंट कितना है 2, मेंबर्स कितना है 1, और सपोर्ट कितना है 2, सपोर्ट 2, मेंबर 2, ज्वाइंट 2, करेक्ट, यस। तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब देखिए आपका यहाँ पर एक्चुअल वेट कितना आ रहा है, 4.87, बट यहाँ पर यूडीएल भी लगा है कितने का, 2 kN का UDL हमने अभी लगा दिया है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम एक जनरल स्टेप्स कर सकते हैं पूरे स्टैट प्रो का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सपोज आई वांट टू नो कि इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, मुझे जानना है कि इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा। सो फॉर डिफ्लेक्शन यू कैन जस्ट गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग, कहाँ जाना है आपको, पोस्ट प्रोसेसिंग पे, और पोस्ट प्रोसेसिंग पे जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है ओके, ठीक है, पोस्ट प्रोसेसिंग पे जाके आप क्या करोगे ओके, तो ये आपको रिजल्ट बताएगा, कैसा रिजल्ट आइए देखते हैं। इसको देखना है इसका डिफ्लेक्शन कितना आएगा, तो डिफ्लेक्शन देखने के लिए आपके कीबोर्ड में कंट्रोल नाम की बटन होती है, और माउस में मिडिल नाम की जो बटन है उसको पैन बोलते हैं, PAN। तो आपको कंट्रोल प्रेस करके पैन को आगे की तरफ स्क्रॉल करना है, जैसे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पर डिफ्लेक्शन का टैब मिलेगा। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज देख सकते हो कि जो आपने पिन सपोर्ट लगाया था वहां पर स्टार्टिंग से ही डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया, बट जब आपने फिक्स सपोर्ट लगाया तो उसमें स्टार्टिंग में 0 डिफ्लेक्शन और फिर उसके बाद धीरे धीरे डिफ्लेक्शन आया, ठीक है, ये फर्क होता है फिक्स सपोर्ट में और पिन सपोर्ट में, समझ गए। इसीलिए हम लोग बिल्डिंग में क्या यूज करते हैं, फिक्स सपोर्ट को यूज करते हैं। आइए देखते हैं इसका डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। उसके लिए यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन होता है, इसको बोलते हैं रिजल्ट, और रिजल्ट पे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है आपका, उस ऑप्शन का नाम है व्यू वैल्यू, क्या लिखा हुआ है, व्यू वैल्यू, इस पर क्लिक करिए, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा बीम रिजल्ट, क्या मिलेगा, बीम रिजल्ट, और बीम रिजल्ट पे जाने के बाद आपको कितना डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कितना देख मतलब कितना आ रहा है देखना है, तो यहाँ पर मैक्सिमम रिजल्टेंट पर क्लिक करो और यहाँ पर एनोटेट पर क्लिक कर दो, मैक्सिमम रिजल्टेंट एनोटेट पर क्लिक करके क्लोज कर दो, ठीक है। जैसे ही क्लोज करोगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, और आप इसको देख सकते हो पूरा कि 0.173 आपका क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, जो कि पूरी तरीके से सेफ है।
स्क्रॉल करके इसको छोटा बड़ा करोगे, ग्राफ ग्राफ को छोटे बड़ा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू आपकी सेम रहेगी। ये सिर्फ ग्राफ एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है जी। और किसी में अगर नहीं आएगा ग्राफ तो बस कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल करते रहना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी बीम का डिफ्लेक्शन देखते हैं और उसके साथ ही साथ उसकी वैल्यू देखने के लिए रिजल्ट रिजल्ट पे जाके बी वैल्यू और यहाँ से रिजल्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ ओके, ये हम देख चुके हैं यहाँ पे कि कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है। स्पैन बाई 250 एज पर ISO, स्पैन बाई 250 अगर नॉर्मल वेदर में आप जी रहे हैं तो स्पैन बाई 250 करिए। अगर वैल्यू उसके आउट जा रही है तो स्ट्रक्चर फेल है, उसके अंदर आ रही है स्ट्रक्चर पास है, डेफिनेटली ये पास है। और अगर आपका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट वेदर में है, मतलब कभी ज्यादा ठंडी कभी ज्यादा गर्मी ऐसे वाले स्ट्रक्चर कंडीशन में है, वहां पर स्पैन बाई 350 बोलता है ISO, क्या बोलता है, स्पैन बाई 350, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इतने स्टेप्स क्या सबको क्लियर हो गए हैं पूरी अच्छी तरीके से, मैसेज करो। कौन ऐसा है जो कि बिना देखे सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन कर सकता है, इज वन इज देयर यू नो इज देयर हु इज एबल टू एक्सप्लेन ऑल स्टेप, मैंने स्टार्टिंग क्या किया फिर क्या किया फिर क्या किया ऐसा करके, कोई है बहादुर? कोई नहीं है, ओके कोई तो है, चलो ठीक है, श्रीकांत है, वेरी गुड। और कोई ऐसा है जो कि पूरे स्टेप्स को क्या बोलते हैं पूरा बता सकते हैं? ठीक है 1.5 मैं बताता हूँ, और कोई भी और कोई बता सकता है कि पूरे स्टेप हमने कौन कौन से लिए, पहले हमने क्या किया फिर क्या किया फिर क्या किया फिर क्या किया लास्ट तक? ठीक है अंबुज ने बोल रहे हैं कि यस ओके, राणा इज सिंग आई कैन, वेरी गुड थैंक यू। मैं बस यही चेक कर रहा था, करने की जरूरत नहीं थी, मैं ये चेक कर रहा था कि आपके माइंड में बैठा कि नहीं, जिसके माइंड में नहीं बैठा उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर जाना बैठ जाएगा, ठीक है। इनका क्वेश्चन है, मेघराज का क्वेश्चन है कि व्हाई 1.5, तो 1.5 इज द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्या होता है ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये क्या होता है भाई? जब हम लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करते हैं, आपको पता है ना कि IS-456 क्या करता है, लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करता है, करेक्ट। तो जब लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करता है तो वो लिमिट स्टेट किस चीज का ध्यान देता है, लिमिट स्टेट मेथड का पूरा फोकस होता है कि स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होना चाहिए और स्ट्रक्चर की सर्विसिबिलिटी बराबर होनी चाहिए, इसके लिए वो 1.5 का फैक्टर लेके चलता है। ये 1.5 मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि आप कहीं जा रहे थे, आपका एग्जाम है, मान लीजिए गेट का एग्जाम है और आप किसी एक डिस्टेंस पे जा रहे हैं, और एग्जाम के लिए जाने के लिए जो आपको किराया जो रेंट लगता है ऑटो का वो 10 रुपए लगता है, आपके हाउस से कितना रुपए लगता है, 10 रुपए। बट अगर बीच रास्ते में ऑटो वालों ने स्ट्राइक कर रखा हुआ है तो आपको हो सकता है कैब करनी पड़े, ठीक है, हो सकता है कोई भी प्राइवेट व्हीकल उठा करना पड़े, राइट। तो आप 10 रुपए की जगह पे अगर 15 रुपए लेके जा रहे हैं तो आप इजिली पहुंच जाएंगे उस डेस्टिनेशन पे कैसा भी हालात होगा। लेकिन अगर 10 रुपए ही लेके चलते, ऑटो मिल गया तो ठीक है, लेकिन ऑटो नहीं मिलता तो आपका एग्जाम छूट जाता, ठीक है जी। इसलिए एलिमिनेशन मेथड कोई भी रिस्क नहीं लेता है, वो पार्शियल फैक्टर सेफ्टी RCC के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15। स्टील के लिए 1.15 ही क्यों देता है, क्योंकि स्टील एक तो बहुत कॉस्टली होता है, एक तो बहुत हैवी होता है। अगर स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 दे दिया, 10 की जगह 15 लगाने लगा, तो बहुत ही ज्यादा हैवी स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसको कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी इतना महंगा होता है स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन, कि फैक्टर 1.5 लेने के बाद वो पॉसिबल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसमें लेते हैं 1.15। अब माइनस में क्यों लेते हैं, माइनस में इसलिए लेते हैं क्योंकि सारा लोड यहाँ पर स्टैट ये मान के चलता है कि आप ऊपर से दे रहे हो, कहाँ से दे रहे हो, ऊपर से, तो ग्रेविटी से जब नीचे आ रहा है तो यहाँ नीचे आने के लिए ये माइनस लेता है, क्या करता है ये माइनस में ही सारा लोड लेता है, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ कि फैक्टर 1.5 इज ए कंपल्सरी फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर, यस दिस इज कंपल्सरी फॉर वन क्या बोलते हैं RCC स्ट्रक्चर, बट एज पर योर एक्सपीरियंस जब आप धीरे धीरे करने लगते हो तो कोई स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसको ज्यादा कॉस्टली नहीं बनाना है, कम पैसे में मैनेज करना है, तो एज पर एक्सपीरियंस आप 1.25 भी दे सकते हो, कितना दे सकते हो, 1.25 भी आप दे सकते हो, बट अभी के लिए आप बिल्कुल भी गलती मत करना, 1.5 ही करना है। 1 मिनट में आता हूँ, कोई आया है, तो इस तरीके से हम लोग 1.5 इसको लेते हैं, ठीक है। और ये फैक्टर लोड कितना रहता है, 1.5 इज अ कंपलसरी फॉर
अंग्रेज स्ट्रक्चर है, ठीक है। इतना स्टेप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा, बट उससे पहले कई लोग सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करने में थोड़ी से परेशान होंगे, तो मैं उनकी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर देता हूँ, देन विल गो फॉर नेक्स्ट। चलिए, अच्छी बात है आपके माइंड में आ गया स्टेप्स। यस, स्पैन बाय 250 इज ओके। ये एज पर आईएस 456 स्पैन बाय 250 से अगर अंदर आ रहा है तो दैट इज डिफ्लेक्शन इज ओके, और वेदर कंडीशन खराब है तो स्पैन बाय 350। जैसे कि आप हिमाचल में या जम्मू कश्मीर बना रहे हो तो स्पैन बाय 350। सॉफ्टवेयर मैंने आपको दे रखा है, आपने अगर डाउनलोड किया होगा सॉफ्टवेयर तो कुछ इस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर आया होगा डाउनलोड होके, ठीक है। जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड होके आ जाए तो उस पर राइट क्लिक करना, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू बेंटली लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? एक्सट्रैक्ट टू बेंटली स्टैट प्रो, इस पर क्लिक कर देना, फिर यस टू ऑल कर देना, ऑटोमेटिक आएगा। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, सिर्फ देख देख के करना है आपको। चलिए, जैसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तुरंत ऊपर एक फोल्डर बना देगा स्टेट प्रो का, और इस फोल्डर में आने के बाद ठीक है, उस फोल्डर में आने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से सेटअप खुलेगा, जिसमें से आपको ये वाला पहला वाला जो सेटअप है इस पे जाना है। इस पर जाने के बाद देखो इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, क्या मिलेगा? इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद ये जो सेटअप है आपका, ये मेन सेटअप है स्टेट प्रो का, इस पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। क्या मिलेगा? रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जिसने भी पहली बार स्टेट को चलाया है, उसके बाद क्या आएगा? यस करने का ऑप्शन आएगा, यस करिएगा। आप 3 से 4 बार 5 बार इस स्टेप्स को रट जाना, क्योंकि ये बैकबोन है पूरे स्टेट प्रो का। तो कुछ इस तरीके से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ये। थोड़ा सा ये टाइम लगेगा एक्सट्रैक्ट होने में, जैसे एक्सट्रैक्ट होगा तुरंत आपसे सेटअप पूछेगा। मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, सिर्फ आपको दिखा दूंगा कि एग्जैक्टली कैसा दिखेगा। गाजी बोल रहे हैं कि हाउ टू डिसाइड द साइज ऑफ बीम, ये सब आगे आने वाला है गाजी। हाउ टू डिसाइड बहुत आसान है, बट क्या बोलते हैं, सर एक चीजों का स्टेप है तो हम स्टेप से ही जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको जानना है तो मैं आपको बता दूं, स्पैन बाय 16 करते हैं, उससे डेप्थ ऑफ द बीम आ जाती है, बट थोड़ा वेट करो, 2-3 दिन के अंदर वो सारी चीज आने वाली है। ठीक है, डिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, रिपीट करिएगा। ओके, ठीक है, ठीक है श्रीकांत, मैं बता देता हूँ। श्रीकांत, तुमने मेरे से पहले भी कुछ सीखा है क्या कोई कोर्स? मतलब ऐसा मुझे याद आ रहा है शायद, क्योंकि श्रीकांत से मेरी पहले बात हुई है आई थिंक। कुछ इस तरीके से सेटअप आएगा, मैं यहाँ से इसको स्टॉप करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सेटअप है। अब यहाँ पर आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है, नेक्स्ट 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 करते चले जाना है, कहीं पर रुकना नहीं है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। 2 बार होगा प्रोसेस, कितने बार होगा? 2 बार प्रोसेस होगा, 2 बार प्रोसेस होने देना। अब बोलोगे सर 2 बार क्यों होगा? एक बार स्टेट प्रो के लिए होता है, एक बार स्टेट प्रो फाउंडेशन के लिए होता है, ठीक है। तो दोनों बार पूरा प्रोसेस होने देना, इंस्टॉल इंस्टॉल इंस्टॉल। मेरे में है, मैं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन आपको ये कर देना है, ठीक है। होप सो कई लोगों ने कर लिया होगा, कोई बड़ा स्टेप नहीं है। इंस्टॉल 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 ऐसे करोगे, लास्ट में फिनिश आएगा, फिर से आएगा स्टेट फाउंडेशन का, वो भी फिनिश कर दो। उसके बाद क्लोज करने का ऑप्शन आएगा, क्लोज कर दीजिएगा, फिर बैक आइएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा पैच, क्या मिलेगा? पैच, इस पैच पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके अंदर भी पैच रहेगा, यहाँ पर देखो पैच लिखा हुआ है, करेक्ट। इस पैच को क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से ये पैच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके राइट क्लिक कर देना और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना, फिर ये आपसे पूछेगा यस कर देना, तो एक स्टेट प्रो की इमेज आ जाएगी।
क्या आ जाएगा, स्टैट प्रो की एक इमेज आ जाएगी थोड़ा सा टाइम लेके, ये इस तरीके से। अब इस इमेज पे जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, 100% आपका स्टैट प्रो क्रैक हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इस इमेज पर क्लिक करना है। अब मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी आपको पता है कि इंस्टॉल हो चुका है, और जैसे क्लिक करोगे उसे कर भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कर दोगे। ओके, श्रीकांत बोल रहे हैं कि ईटैब की ओर से इंक्वायरी किया था सर। ओके, तभी मुझे तुम्हारा नाम याद है। ये देखो अपने आप क्रैक हो गया, ये देखो एक्टिवेटेड हो गया। इसके बाद एसेट डन, बस इतना सा काम करना है। बड़े ही इजी तरीके से पूरा का पूरा स्टैट प्रो आपका क्रैक हो जाएगा। होप सो सभी लोग कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ग्रुप में बोल देना कि सर मेरा नहीं हुआ, बट ऐसा कहने से पहले 5-6 बार ट्राई जरूर करना, ठीक है? क्योंकि हम ट्राई करेंगे तभी हम परफेक्ट होंगे। चलो स्टेप को आप इंस्टॉल कर लोगे। एक बार मैं फिर से स्टेप को ही रिपीट कर रहा हूँ, सारे स्टेप को रिपीट कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा के। कैसे, चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर स्टेप पे क्लिक किया, कुछ इस तरीके से आपका डेस्कटॉप आता है, ठीक है? और यहाँ पे आके मैं रिपीट इसको बार बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यही बैकबोन है। ये जिसको समझ में आ गया उसको पूरा स्टेप को अपने आप आंख बंद करके भी आ जाएगा, ठीक है? सो यहाँ पे देखो तो कई ढेर सारी चीजें, जैसे कि न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, ये आगे धीरे धीरे आएंगी। ओपन मतलब यहाँ से डायरेक्ट पुराना प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो। मैं अभी आपको न्यू प्रोजेक्ट पे ही क्लिक करके दिखा रहा हूँ, और जैसा मैंने बता दिया स्पेस प्लेन फ्लोर और ये, ठीक है? ठीक, आई गॉट टू फाइल्स इन बैच फोल्डर। ओके, टू फाइल्स अगर आप आए हैं तो एक मिनट दिखा देता हूँ उनको, अगर कुछ डाउट है तो। इफ योर फाइल इज समथिंग लाइक माई फाइल तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे स्टेट प्रूफ जाओ, इसके अंदर एक आपका यहाँ वाला होगा, इसका जरूरत नहीं है, इसको आप डिलीट भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप ये जो मेन फाइल है इसमें जाना, इसके अंदर पैच में जाना। पैच में ये वाली जो फाइल है केवल इसी से काम है, ठीक है? केवल इसी से काम। इसका साइज कितना है, 634 KB, 634 KB का फाइल है, बस इसी से कर देना नॉर्मली बस, ठीक है? कई लोग के पास ओल्डर वर्जन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ओल्डर वर्जन को भी चला सकते हो। किसी के पास हायर होगा वो भी चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉफ्टवेयर सारे एक होते हैं, ठीक है? तो उसका टेंशन मत लेना कि मेरा है तो उसको अनइंस्टॉल करूँ क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो हमने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, और हमें अभी चारों ऑप्शन का खूब अच्छे से माइंड में नॉलेज हो चुका है, सो अभी रिपीट करने की जरूरत आई थिंक नहीं है, ठीक है? तो हमने इस किया। यस, किसी का माइक ऑन है, यू वांट टू से समथिंग? ठीक है, किसी का माइक, यस साई कृष्ण, आप कुछ बोलना चाह रहे हेलो हैं? यस साई कृष्ण, हेलो हेलो। यस शाम को मैसेज करा है। हेलो सॉरी, बोलिए आप, आपने माइक ऑन किया ब्रदर? हेलो, हेलो, हाँ जी, इस नंबर से मैसेज कर आए हैं। कर रहा हूँ विप्लव, स्कैन कर रहा हूँ ब्लैक वाले में। हाँ क्या बोल हाँ रहे जी, हैं, अच्छा, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ वाइबर जी, हाँ हाँ वाइबर, ओके, हाँ इन्होंने गलती से माइक खोला हुआ, उनको पता ही नहीं कि माइक खोला है। आप लोग ऐसी गलती मत करना, ठीक? चल तो यहाँ पर स्पेस पे क्लिक किया हमने, और स्पेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो मीटर किलो न्यूटन आपका यूनिट आ जाएगा, और यहाँ पर फाइल नेम आ जाएगा आपको। अब क्या, हमारा फाइल नेम जो रहेगा थर्ड प्रोजेक्ट रहेगा, क्या रहेगा? थर्ड प्रोजेक्ट, ओके। और फाइल सेव हो रही सारी की सारी न्यू फोल्डर में, ठीक है? मीटर किलो न्यूटन आपका MKS पद्धति रहेगा। नेक्स्ट एड बीम फिनिश, ओके। अब देखिए स्टेप नंबर 2 पे आप चल रहे हैं, मतलब थोड़ा सा आपका ग्रोथ हो रहा है। स्टेप नंबर 2 क्या है, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में एक कॉलम होगा, कितने मीटर का होगा? 3 मीटर का होगा, बोलोगे। उस रूम में एक बीम भी होगी, कितने मीटर की होगी? सपोज 4 मीटर की होगी। उस रूम में एक और कॉलम होगा, दूसरे कॉर्नर पे देख लो, हाँ जी है। फिर इस ग्रिड को ऑफ करना है, ऑफ कर दो। इतना समझ आया? एक कॉलम है आपके पास, आपके रूम में एक बीम होगी और एक कॉलम होगा, ये तो वन साइड है ना भाई। दूसरे साइड का क्या, दूसरे साइड का क्या?
तो दूसरे साइड भी होगा, उनके बीच में गैपिंग होगी 3-4 मीटर की। तो इसको सबको सेलेक्ट कर लेना, क्या कर लेना, इनको सबको सेलेक्ट कर लेना। और सेलेक्ट करने के बाद, हाँ जी, मेरे स्टैट फाउंडेशन साथ में इंस्टॉल हो जाता है, इसलिए मैंने बोला 2 बार इंस्टॉल होगा। तो एक बार स्टैट इंस्टॉल होगा, एक बार स्टैट फाउंडेशन इंस्टॉल होगा। इसको सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास होता है ट्रांसलेशन रिपीट। क्या होता है ट्रांसलेशन रिपीट, इस पर क्लिक करिए। ये क्या काम करता है, कॉपी पेस्ट आपने पहले भी किया होगा लैपटॉप में, मूवी वगैरह किसी को दिया होगा, लिया होगा किसी से, वही कॉपी पेस्ट यहाँ पर भी है, भाषा बदल गई है, इसका नाम हो गया है ट्रांसलेशन रिपीट। चलो भाई, तो जब ये ट्रांसलेशन रिपीट है तो ये किधर की ओर आएगा, आगे आएगा या पीछे जाएगा या ऊपर जाएगा, कहाँ जाना है? तो देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स मतलब इधर जाएगा, भाग जाएगा इधर की ओर, वाई मतलब बेवफा हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, और जेड मतलब तुम्हारे पास आ जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा। जेड मतलब तुम्हारे पास आ जाएगा, वाई मतलब किसी का नहीं हुआ, ऊपर चला गया, राम राम सत्य है, और एक्स मतलब इधर की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपका जो रूम का एक कॉर्नर है ऐसे होगा, तो दूसरा कॉर्नर आगे की तरफ आया होगा। आप बोलोगे यस सर, तो आगे की तरफ मतलब जेड एक्सिस में आया होगा, और जब जेड एक्सिस में आया होगा तो किसी का रूम बड़ा होगा, किसी का रूम छोटा होगा। तो हीन भावना ना है, इसलिए मैं खुद से अपने रूम का साइज लिख देता हूँ 3.5 मीटर। कितना मेरे रूम का साइज है, 3.5 मीटर है इनका साइज। और इसके बाद जैसे ही क्लिक करूंगा ओके, देखिए अब जादू में क्या हो गया, जादू में एक तरफ का बीम हो गया और कॉलम भी हो गया, दूसरी तरफ का बीम और कॉलम हो गया, बन गया जी, करेक्ट। अब इनके बीच में एक मिलान भी तो होगा, नहीं तो स्लैब को सपोर्ट कौन देगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एड बीम, और एड बीम करने के बाद फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। सोचो कि ऐसे 10 रूम होते तो कितने बार मैं इसको फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट करते बैठता, टाइम हमारा बहुत जाता ना, करेक्ट। और सॉफ्टवेयर हम यूज क्यों करते हैं, आपको पता है, बाइक क्यों यूज करते हैं, बाइक यूज करते हैं जिससे ट्रेवलिंग का टाइम कम हो जाए। ठीक है, और साइकिल क्यों यूज करते हैं, अगर हमारे पास बाइक का बजट नहीं तो हम क्या करते हैं, साइकिल तो लेते हैं, जिससे हमारा टाइम कम हो जाए। तो मतलब मशीन को यूज करने का रीजन ये है टाइम को बचाना, और यहाँ हम टाइम को बर्बाद कर रहे हैं एड बीम करते करते, नहीं, बचाने की स्टाइल बताता हूँ। कंट्रोल जेट से मैं बैक गया, यहाँ आ गया, बीम कर्सर को लिया, और बीम कर्सर को लेने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया पूरे स्ट्रक्चर को, क्या कर दिया हमने, सेलेक्ट कर दिया हमने। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो लिखा है ट्रांसलेशन रिपीट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है रिपीट करने का इसकी कहानी है, और ट्रांसलेशन मतलब घुमाते रहो। ठीक है, तो अब लिया इसको, अभी तो हम जेड में ही आ रहे हैं, ओके जी, जब जेड में आ रहे हैं कितना आ रहे हैं, हमने कहा अभी हमेशा 3 मीटर के रूम में थोड़ी रहेंगे, अब क्या 4 मीटर के रूम में रहेंगे। ठीक है जी, एक ही रूम है, हाँ एक ही रूम है। और यहाँ पर देखो लिखा है लिंक स्टेप, लिंक मतलब जोड़ देना, तो आप इस पे क्लिक कर दो। फिर यहाँ पर लिखा है ओपन बेस, ओपन बेस मतलब ये बेस है ना, ये नीचे का बेस है और इसको जोड़ना है, बट नीचे का तो खुला रखोगे ना, करेक्ट, ओपन बेस, लिंक स्टेप कर दिया, ओपन बेस कर दिया। देखो अभी क्या होगा आपके सामने, ये देखो स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, मिलके आ रहा है यहाँ से, अभी देखो ये स्ट्रक्चर जो था ये मिलके यहाँ आ गया, मिलके यहाँ आ गया और इससे मिल गया, आसान है, यस। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरे स्ट्रक्चर को एक रूम तैयार कर लिए आपके फर्स्ट क्लास में। अब जब रूम तैयार कर लिया तो रूम का साइज उसको भी देना पड़ेगा ना, करेक्ट। तो अब स्टेप नंबर वन याद करो, क्या है स्टेप नंबर वन, जनरल, मैंने क्या बोला था, बैकबोन जिसका स्ट्रांग रहेगा वो हर एक एक्सरसाइज कर सकता है। तो इस बैकबोन क्या है, प्रॉपर्टी सपोर्ट लोड एनालिसिस एनालाइज, यही है बैकबोन। अब चलिए देखते हैं कैसे इसको यूज करेंगे। कॉलम है, तो कॉलम का साइज हमने दे दिया यहाँ पर, डिफाइन करेंगे, और ये बार बार सेव करने के लिए पूछेगा, उसका रीजन ये रहता है आपने पीछे जितना किया उसको कैलकुलेट कर लूं क्या, पूछता है, मैंने बोला कर लो भाई। तो मान लो बीच में सिस्टम आपका जो सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया तो उतना फाइल सेव रहेगा। डिफाइन पर क्लिक किया, कॉलम के लिए रेक्टेंगल पे क्लिक किया, हमने कहा कॉलम बनाएंगे, और कॉलम का साइज कितना लोगे, तो ये अप्रोक्स 4 मीटर है, कितना है 4 मीटर है। तो 4 मीटर के लिए आप अगर 0.23 और 0.30 का कॉलम दोगे, कैसे दोगे, इसका पूरा थम रूल क्लास 3 क्लास 4 में आपको पढ़ाया जाएगा। सो बिल्कुल टेंशन मत लेना कि सर मैंने कैसे ले लिया, ठीक है, ये जनरल स्टेप्स है, तो बिल्डिंग का थम रूल मैं आपको पढ़ाऊंगा। वाई डी कितना है,
0.23 ले लिया और इसको ले लिया 0.30 ऐड किया। अब बीम कितना लोगे? अब यार हमने बीम थोड़ी हल्की ले ली, कितनी ले ली? 0.23 का बीम ले लिया, 23 मतलब 9 इंचेस का। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कॉलम है तो कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए 1 2 3 4 मेरे पास शॉर्टकट भी है एक साथ सेलेक्ट होने के, बट मैं धीरे धीरे बताऊंगा। अभी हमने ऐसे ही सेलेक्ट कर लिया, ये देखो यहाँ लिखा है असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन यस। इसके बाद ये लिया हमने, ये किसके लिए? बीम के लिए। तो बीम के लिए सेलेक्ट किया हमने इसको, दोनों को, इसको और इसको, इसको और इसको, सबको सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन और यस कर दिया, लग गया जी करेक्ट। चलिए अभी दोनों हो चुके हैं आपके पास, देखना है इनको मटेरियल को कैसे लगे हैं। तो यहाँ पर क्लिक करोगे रियलिस्टिक 3D रेंडर व्यू पे, कुछ इस तरीके से ये बीम आपके आ जाएंगे, ये कॉलम है और ये बीम है। अब जब इसको जूम करोगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, नहीं आ रहा है तो आना चाहिए, कि सर ये कॉर्नर पे ऐसे कट शेप क्यों बना हुआ है, यहाँ पर कॉर्नर पे कट शेप क्यों बना हुआ है? तो ये स्टेट्रो क्या कर रहा है, फ्रेम स्ट्रक्चर आप बना रहे हो ना, तो फ्रेम स्ट्रक्चर में स्पेसिंग्स दे के रखता है, सो दैट कि आपको एक नया बीम यहाँ से ऐड करना है और आगे जाने के लिए, तो ये स्पेस दे के रखा है, आप जैसे क्लिक करोगे वो इसके अंदर सेट हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी ऐसे आगे जाना है, एक बीम ऐड करोगे ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर क्या करता है, वो स्पेस छोड़ के रखता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चले। नेक्स्ट स्टेप सपोर्ट है, जैसा मैंने बोला ये स्टेप फिक्स है। क्रिएट पर जाओ, और क्रिएट पर जाने के बाद अब ये पूरा बिल्डिंग का रूप ले चुका है, एक तरीके से आपका ये रूम बन चुका है, जिस रूम में आप बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हो। तो फिक्स सपोर्ट अब फिक्स हो चुका है, ऐड लिया। अब एक तो है कि ऐसे फिर ऐसे मेहनत करो, फिर ऐसे मेहनत करो, फिर ऐसे मेहनत करो, काहे को इतना मेहनत करना। डायरेक्ट यहाँ पर देखो लिखा हुआ है व्यू फ्रॉम पॉजिटिव जेट, यहाँ से देखोगे तो ऐसे दिखने लगेगा आपका स्ट्रक्चर। बस फिर क्या है, तो एक बार में लग गया। असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, नोट्स, असाइन और यस लग गया। फिर क्या, फिर इसको 3D में देख लो आप, ये देखो आपका स्ट्रक्चर ऐसा दिखने लगेगा, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप है आपका क्या, लोड। क्या स्टेप है? लोड। तो लोड के लिए चलिए लोड पे चलते हैं। लोड पे चलने के बाद यहाँ पर लोड केस डिटेल दे दिया, क्या दे दिया? लोड केस डिटेल्स, और इस पर क्लिक करके हमने कर दिया ऐड। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एकदम कूल होके पढ़ो, बहुत मजा आएगा। देखो स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर में आपको बस सोचते जाना कि अच्छा ये हुआ क्या, ओके अच्छा ऐसा क्यों हुआ, बस इस चीज को अपने माइंड में करते रहो ना, बड़ा मजे पाओगे। एकदम बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है, मजे लेके पढ़ो, तभी आपको स्ट्रक्चर में क्वेश्चन आएंगे, तभी अच्छे अच्छे आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। टाइटल हमने कर दिया इसका क्या, डेड लोड, DL। हमारे यहाँ DL बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस को, ठीक है? तो ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ये डेड लोड है। एड क्लोज। फिर यहाँ पर डेड लोड पे क्लिक किया, एड किया, डेड लोड के जितने बेटे हैं सब फटाफट सामने आ गए, आ गए। चलिए थोड़ी सी चीजें ऐड कर देता हूँ। फैक्टर तो 1.5 डायरेक्ट दे दिया माइनस में, और वाई डायरेक्शन मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, एड। फिर हमने क्या, मेंबर लोड, क्या कर दिया, मेंबर लोड। चलिए मेंबर लोड में थोड़ा सा आपको और ऐड कर देता हूँ नॉलेज। क्या मेंबर लोड में यूनिफॉर्म फोर्स किसका आएगा स्ट्रक्चर में, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो किसका लोड आएगा यूनिफॉर्म? तो आप बोलोगे सर इस तो बहुत आसान है, ब्रिक का लोड आएगा, करेक्ट। ब्रिक का लोड कैसे कैलकुलेट करोगे? अभी हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं है, जस्ट एज्यूम करो कि इसके ऊपर ब्रिक की वॉल है 9 इंचेस की। क्या एज्यूम करना है आपको, एज्यूम कर लो 9 इंचेस की वॉल लगी हुई है इसके ऊपर, ठीक है? तो अगर ऐसा एज्यूम करोगे तो इस पे लोड कितना आएगा, आओ बताते हैं, कैलकुलेटर पे जाओ, ठीक है? जो नहीं आएगा, जो समझ में नहीं आएगा उसको माइंड मतलब कि नोट करके लिख सकते हो आप, और अभी मैं आपको जब बोलूंगा तो आप कुछ पूछ सकते हो बाई मैसेज, बाई जैसे भी आपको कम्फर्ट हो। कैलकुलेटर पे क्लिक करो और यहाँ पर देखोगे तो आपसे ये पूछेगा, इसको सेव कर देते फाइल को, ब्रिक का लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं?
तो पहले आपको ब्रिक की डेंसिटी पता होनी चाहिए। देखो भाई बिना डेंसिटी के ना स्टैट प्रो पढ़ने में बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो ब्रिक का डेंसिटी, स्टील का डेंसिटी, सीमेंट का डेंसिटी, सैंड का डेंसिटी, सबकी डेंसिटी आपके माइंड में होनी चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ ब्रिक जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उसकी डेंसिटी होती है 19.1 इंटू, मैंने माना है कि 9 इंच की वॉल है, 9 इंच की वॉल है, मतलब एमएम में कितना होगा 0.23। अब देखो ये एमएम और इंच आपका एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए, 0.23 इंटू फ्लोर की कुछ ना कुछ तो हाइट होगी ना इसके ऊपर, तो हमने कहा फ्लोर की हाइट है 3 मीटर्स, कितना है 3 मीटर्स, ठीक है। अब माइनस बीम डेप्थ, क्या बीम डेप्थ, बीम की डेप्थ कितनी लोगे, सपोज बीम की डेप्थ दिया हमने 0.23, कितना दे दिया 0.23, 230 mm, अभी है नहीं इसके ऊपर बीम या फिर इसके ऊपर वॉल भी नहीं है, जैसे हमने माना है, सो बुरा मत मानना, मान लेना, ठीक है। तो हमने ले लिया 0.23, अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना, फिर चलो देखते हैं लोड कितना आया, इंटर करें, चलो कितना आया 12.16। तो एक्चुअल में जो ब्रिक का लोड आएगा इसके ऊपर वो आएगा 12.16, बाकी तो कल के क्लासेस में और बहुत डीप में जाएंगे हम लोग, अभी के लिए हम लोग 12.16 का लोड लगा देते हैं। तो माइनस 12.16 कौन से डायरेक्शन में, जी वाई, आप सोचोगे सर वाई तो समझ में आया ऊपर से नीचे आ रहे, जी का क्या मतलब है, ग्लोबल वाई, ग्लोबल वाई का मतलब होता है जी वाई, एड क्लोज। चलिए सेल्वेट यहाँ आके बैठा है, ये बोल रहा है भाई हमें क्वेश्चन मार्क है लगा दो, तो हमने क्या किया बीम कर्सर लगा हुआ है, सेलेक्ट किया सबको, assign to selected beams, assign, और yes, लग गया। ये भी इंतजार कर रहा है, बट ये कह रहा है मैं कॉलम पे नहीं लगूंगा केवल बीम पे, लोड हमेशा किस पे लगाना है बीम पे, वो ट्रांसफर कर देगा कॉलम पे, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, ये क्या है, और पी वाई लोकल एक्सिस के लिए है राना, जस्ट थोड़ा सा वेट करना, पी वाई का अलग कॉन्सेप्ट लिया पूरा अपन सीखेंगे, बट आप याद रखो लोकल एक्सिस के लिए पी वाई है। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया सारे बीम्स को, और इसके बाद यहाँ पर असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस, ये देखो यहाँ पर आपके पास ये हो गया, आपके पास ब्रिक का भी लोड आ गया, सेलवेट भी आ गया, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं आपकी, बस अब क्या है, अब लास्ट स्टेप पर पहुंच चुके हो, एनालिसिस कर दो, ऑल कर दो, ऐड कर दो, क्लोज कर दो, हो चुका है यस, एनालाइज कर दो, रन एनालिसिस कर दो, सेव कर दो। जीरो एरर है, जीरो वार्निंग से, जीरो नोट है, फिर क्या अब नोट को गिनना नहीं है, आपके पास पैसे खत्म हो गए, नोट जीरो हो गया, वार्निंग भी नहीं है आपके पास, तो आपको कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, एरर मतलब आपने कोई गलती ही नहीं की, तो तरक्की ही नहीं की, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी, जो इंसान सीखेगा उसी का एरर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीख नहीं रहा हूँ, मैंने कई बार किया इस वजह से जीरो आ रहा है, और वार्निंग मतलब ऑफकोर्स गलती करोगे तो कुछ चेतावनी मिलेगी, नोट मतलब अभी स्टेट को आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। View output file, done. चलो अब उसने बोल दिया कि भाई अब आपका 7 बज चुका है और डेट तो वही है, लाइसेंस वैसे बता देगा आपको, अब देखोगे थोड़ा सा आपकी तरक्की कर देगा, ज्वाइंट हो गए अभी 8, मेंबर हो गए 8, सपोर्ट हो गए 4, और लोड भी अब आपका बढ़ चुका है, कितना हो गया 39.45, कितना 39.45 किलो न्यूटन आपका एक्चुअल लोड हो चुका है पूरे स्ट्रक्चर का इस समय। धीरे धीरे लोड बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आपका स्ट्रक्चर बढ़ेगा। यूडीएल लगा हुआ है 12.16 का जो कि ब्रिक का है, और एक्सेल वेट लगा हुआ है 1.5 का। तो आपको इतने कॉन्सेप्ट समझ में हो गए होंगे। अब लास्ट स्टेप है डिफ्लेक्शन, तो उसके लिए पोस्ट प्रोसेसिंग, ओके ये देखो इस तरीके से आ जाएगा, आप चाहो तो इसको बड़े स्क्रीन पर कर सकते हो, और उसके बाद कंट्रोल और माउस के मिडिल बटन को ऐसे घुमाना है आगे की तरफ, किसी किसी में नहीं होगा तो परेशान मत होना, बस ऐसे घुमाते जाना ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू देखना है कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, रिजल्ट पे जाओ, बी वैल्यू पे जाओ, बीम रिजल्ट पे जाओ, मैक्सिमम रिजल्टेंट, एनोटेट, क्लोज, 3 पॉइंट। अब देखो क्या हुआ, अब डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है क्या, यस, लास्ट टाइम कितना था 0 पॉइंट समथिंग था, अभी कितना हो गया 3.53, अभी भी पास ही है बट डिफ्लेक्शन बढ़ गया। तो जैसे जैसे आपका लोड बढ़ेगा क्या होगा, डिफ्लेक्शन बढ़ेगा,
ठीक है। डिफ्लेक्शन मतलब होता है क्या है, झुक जाना। आपके सिर के ऊपर अगर मैं 1 kg का वेट रखूं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 2 kg का वेट कुछ नहीं होगा। 20 kg थोड़ा डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट। 40 kg पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी झुकने लगेगी। 50 kg अच्छे से आप झुक जाओगे और 1 क्विंटल में तो फेल ही कर जाओगे, लेकिन फट से गिर जाओगे। वही है डिफ्लेक्शन, और कुछ नहीं होता डिफ्लेक्शन। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। मजा आया, समझ में आया तो रिप्लाई करो कि हाँ जी सर समझ में आया। ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट डे ज्यादा डोज नहीं दे सकते, नहीं तो कुछ लोगों के ऊपर से बाढ़ आ जाएगी जैसे बिहार में आता है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं मैसेज करो। इसमें से कोई भी स्टेप्स आपको पूछना है माइक ऑन करके भी आप पूछ सकते हो। कुछ पूछना है पूछ सकते हो। ओके ओके ठीक है, सब लोग अपने अपने क्वेश्चन देते जाओ। थैंक यू। ओके, कितने में होगा? ओके, मेंबर फेल कितने में होगा? मेंबर फेल कितने में होगा ये किसी को नहीं पता होता अंबुज। जैसे जैसे अब आपको, मुझे नहीं पता ना कि अंबुज कितने केजी वेट उठा सकते हैं। ठीक है, एक क्राइटेरिया है कि ह्यूमन बॉडी कितने में करेगा। ह्यूमन बॉडी का जो क्राइटेरिया है कि अप्रोक्स 80 kg के बाद वो फेल कर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस बीम का भी क्राइटेरिया है कि स्पैन बाई 250 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, स्पैन बाई 250 उसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए स्पैन बाई 250 के। ठीक है, एक ह्यूमन क्राइटेरिया। चलो, और श्रीकांत बोले नाइस क्लास, थैंक यू सो मच श्रीकांत। एंड इन्होंने बोला, मेरा ने बोला कि कॉलम में सपोर्ट क्यों? अच्छा, कॉलम में सपोर्ट क्यों? तो कॉलम में सपोर्ट इसलिए क्योंकि मतलब इसका आंसर क्या है, इसका तो आंसर कुछ है ही नहीं। इसका आंसर ये है कि बिना सपोर्ट के इंसान कैसे खड़ा हो सकता है। डियर, अगर मुझे चेयर पे बैठना, अगर मुझे बैठना है तो मैं हवा में नहीं बैठ सकता ना, मुझे कोई ना कोई सपोर्ट लगेगा बैठने के लिए। सेम इसको भी तो रेस्ट करने के लिए कहीं पर रहेगा ना ये। अगर हम कॉलम को ऐसे मतलब अभी खेल तो नहीं रहे कि जैसे वो माचिस की डिब्बी होती थी, अपन उसको सोफा बनाते थे ना बचपन में, अगर वैसा सोफा बनाना होता तब तो सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। बट अभी सोफे के ऊपर कोई बैठेगा तो मजबूती चाहिए, तो मजबूती के लिए क्या चाहिए? सपोर्ट। आप पानी में डूब रहे हो, आप पानी में डूब रहे हो, और अगर आपको सपोर्ट नहीं मिला तो क्या होगा? डूब जाओगे। हम तो डूबेंगे जन्म, तुमको भी लेकर डूबेंगे। तो ऐसा न हो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पकड़ के रखना पड़ेगा। यस, सपोर्ट का मतलब है फुटिंग। इसके नीचे फाउंडेशन आने वाला है जिसको हम लोग आगे अपकमिंग क्लासेस में देखेंगे। चलो, और क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, गाजी का मैंने बता दिया, नॉर्मल आपका डिफ्लेक्शन, स्पैन बाय 250। ग्रिड का यूज क्या है? अच्छा, ग्रिड का यूज है सहारे का। ग्रिड का यूज है सहारे का। सहारा कैसा होता है? यहाँ पर देखो, जैसे ग्रिड ऑन किया, अब हमें पता चलता रहेगा ना कि यहाँ से यहाँ तक कितना जाना है, फिर इधर कितना जाना है। तो अगर ग्रिड नहीं होता तो फिर हमको ना पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली कितना चले। अब यहाँ से चले हम, अभी तो मतलब गड़बड़ हो चुका है, और अगर यहाँ से चले और अगर हमें सहारा पता है तो उसी के साथ चलते जाएंगे, आपकी बीम टेढ़ी नहीं होगी। आप अभी मैं आपको बोलूं कि आप एक प्लान ड्रॉ करो अपने पेन एंड पेपर से। आपकी लाइनें जो होंगी रूम की, रूम कहीं पर 10 फीट दिखाएगा, कहीं पर 7.9 फीट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि स्केल के बिना आप सही से प्लान ड्रॉ नहीं कर पाओगे, वैसे ग्रिड के बिना आप सही से स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ये यूज है हर्ष। मनीष बोल रहे हैं कि समझ में आ गया, बट प्रैक्टिस करने पर स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा। थैंक्स अ लॉट। ओके जी मनीष, यस मनीष, दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस यार। और अभी मैं एक चाय की दुकान पे गया था थोड़ी देर पहले, मैं चाय बहुत पीता हूँ, तो वो देखता भी नहीं कि किधर कप से मतलब केतली से कैसे कप में जाने वाला है चाय, वो देखता नहीं है। उसको आइडिया लग चुका है कि मैं ऊपर से फेंकूंगा तो ऑटोमेटिक वो ग्लास में ही गिरेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रैक्टिस। हम तुम करेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। अब स्टेट प्रो में मैं आंख बंद करके भी पूरा ये स्टेप जो आपको करके दिखाया हूँ, इससे बड़े बड़े स्टेप आंख बंद करके चला सकता हूँ। दिस इज प्रैक्टिस, तो आपको करना पड़ेगा। ओके गाजी बोले, डस सपोर्ट में या एंड यू आर फॉलोइंग वॉल लोड ऑन बीम बट नो फर्स्ट फ्लोर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा ना, हमने जस्ट एज्यूम करके अभी आपको दिखाया कि मान लो इसके ऊपर एक वॉल है। मैंने बोला था ना, एज्यूम कर लो कि इसके ऊपर वॉल है। वॉल है नहीं, ठीक है। एक्चुअल में जब ऑफकोर्स इसके ऊपर तो बीम भी नहीं है, हमने बीम की डेप्थ, हमें फॉर्मूला पढ़ाना था आपको। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या पढ़ाना था कि डेंसिटी इंटू थिकनेस इंटू फ्लोर हाइट माइनस बीम डेप्थ। ठीक है, तो फॉर्मूला पढ़ाने के लिए मैंने ऐसा किया। ओके, फॉर सेक्शन यस, स्पैन बाय 250 फॉर्मूला फॉर डिफ्लेक्शन यस। नोट्स अवेलेबल है क्या सर स्टेप का? ओके, नोट्स अवेलेबल, आपको पहले नोट्स बनाना पड़ेगा। वैसे तो नोट्स मेरे पास है, नोट्स नहीं, आप अच्छे टीचर के पास आ चुके हो, इसलिए मेरी खुद की बुक है,
जो कि पब्लिश होने वाली है, और क्या बोलते हैं, लेकिन उसका नोट्स भी मैंने बना के रखा हुआ है, तो आपको जो बुक बनने वाला है उसका नोट्स, नोट्स तो ही बुक बनता है, तो मैं आपको दूंगा, बट अभी नहीं दूंगा। कब दूंगा? जब आप पर्याप्त मात्रा में सीख लोगे। क्यों? क्योंकि अभी आप मेहनत करो, रिकॉर्डिंग देख देख के अपने वर्ड में लिखोगे तो आपको याद होगा, नहीं तो फिर आप सहारे में खो जाओगे। Excuse me, sir. Yes, Gaji. सर, स्पैन बाय 250 का जो फॉर्मूला है उसका जो आंसर आएगा उससे ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं चाहिए ना? यस। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। ओके, नोट्स वाले में, ओके ठीक है, इनका बता दिया मैंने। सेल वेट अप्लाई करना है शायद, ठीक है, सेल वेट ही अप्लाई करना है शायद। हाँ, सेल वेट तो अप्लाई करना है हमेशा, लेकिन अगर आप इसके आगे जब जाओगे, अभी जैसे नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ गए, कल फ्लोर लोड भी लगाएंगे हम लोग, तो धीरे धीरे क्या होगा, स्टेप बढ़ता जाएगा। सेल वेट मतलब उसका खुद का वेट, बट एक्स्ट्रा वेट किसका आ रहा है? एक्स्ट्रा वेट ब्रिक का आ रहा है। कल को एक्स्ट्रा वेट किसका आएगा? स्लैब का आएगा, तो हम स्लैब का भी लगाएंगे और ब्रिक का भी लगाएंगे, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कल को एक्स्ट्रा वेट किसका आएगा? विंड का आएगा। एक्स्ट्रा वेट किसका आएगा? सेस्मिक का आएगा। ऐसे धीरे धीरे ऐड होता चला जाएगा लोड। ग्रिड स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ जी, कल का क्लास ही पूरा ग्रिड स्पेसिंग पे है। पहले ग्रिड कैसे मैनेज करना है, मतलब हाफ फीट की मीटर की कहाँ रखनी है, 7.5 मीटर की, तो ये ग्रिड का पूरा क्लास कल का है, क्लास उसी का है। मनीष बोल रहे हैं कि सर ग्रिड जेड डायरेक्शन में वर्क नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा ग्रिड जेड डायरेक्शन में वर्क, आप कल ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम चारों तरफ से घुमाने वाले हैं पूरे ग्रिड को, तो आपको समझ आ जाएगा अच्छा ग्रिड कैसे चलता है। चलिए, श्रीकांत बोल रहे हो कि यस थैंक यू, मेरे तरफ से भी थैंक यू आप सबका। बड़े मजे करेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है, और कोशिश करिएगा जैसे मैंने आपको बताया, ग्रुप में ही क्वेश्चन पूछिएगा। कॉल में ज्यादा पिक नहीं कर पाऊंगा, पहले से बता के रहूंगा, इसके लिए बुरा मत मानना, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, और कभी बताऊंगा आपको मेरा शेड्यूल कैसा रहता है, तो मैं कॉल नहीं पिक कर सकता, बट आप क्वेश्चन ग्रुप में भेजोगे, और जब क्लास का टाइम होगा स्टैम्प इधर कॉपी पेस्ट कर दोगे, मैं क्लास में पूरा डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, तो आपको क्लास में ही क्वेश्चंस को पूछना है। ओके सर, वेयर कैन आई गेट द लाइव दिस सेशन? ओके, दिस लाइव सेशन, ओके, ये लाइव सेशन आपको मिलेगा क्या बोलते हैं वेबसाइट पर unixsibil.com पे, बट आज के लिए मैं आपको एक घंटे के बाद रेंडर जैसे ही होता है आपके ग्रुप में भेज दूंगा, बाद में ये सब कुछ unixsibil.com वेबसाइट पे मिलेगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं उधर अभी आईडी बनाने का टाइम नहीं लगा है, तो जैसे कोई वीकेंड में या कोई छुट्टी मिलती है मुझे, तो मैं उधर आईडी बना दूंगा आप सबका, बन जाएगा आईडी, फिर आप लोग उधर से एक्सेस कर सकते हो, आज आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए, ओके जी, और किसी कोई क्वेश्चन है? सॉफ्टवेयर मैंने भेज रखा है, किसी को डाउनलोड करने के बाद प्रॉब्लम आती है इंस्टॉल करने में, तो दो तीन बार कोशिश करना, नहीं हुआ तो फिर मुझे बोलना, ठीक है, चलेगा। और किसी ने, बड़े लोगों ने, अच्छा मेरे को व्हाट्सएप पे भी इतने ही मैसेज आए जितने मैसेज इधर आए हैं। चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ गुड डे। किसी और को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, यू हैव अ टाइम। अभी मैं ज्यादा लोड नहीं दे सकता, नहीं तो आपके ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो। चलो ठीक है, ओके, फिर कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम पे।